आदरणीय श्री कुलदीप नैयर जी, आदरणीय श्री शशि थरूर जी, श्री भानु धमेजा जी और इस सभागार में उपस्थित अन्य सभानुभा, सबसे पहले श्री धमेजा जी को बहुत बहुत बधाई। इसलिए जिस विषय पर कभी थोड़ी बहुत चर्चा होती थी और आज चर्चा लगभग बंद है, उस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न पर एक बार फिर से चर्चा प्रारंभ करने का काम किया है श्री धमेजा जी ने। बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस बात की भी बधाई देता हूं कि बहुत शोध किया उन्होंने, गहरा अध्ययन किया इस विषय पर। और एक संयोग यह है कि वो बहुत लंबा समय अमेरिका में रहे, भारत के थे, अमेरिका में रहे, शासन पद्धति देखी, फिर भारत में आए, फिर भारत की शासन पद्धति देखी, तुलनात्मक अध्ययन करने का उनको अधिक मौका मिला। बहुत बढ़िया शोध किया इस विषय पर, जो भी महत्वपूर्ण लिखा जा सकता था वो उन्होंने लिखा। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, ये विषय मेरे अध्ययन का विषय नहीं है, मैं इस विषय का विद्वान नहीं हूं, लेकिन भुक्तभोगी हूं। इसलिए इस विषय का जो व्यावहारिक पक्ष है केवल वही आपके सामने रखूंगा। विद्वता की बातें आदरणीय नैयर जी ने कही है, शशि थरूर जी कहेंगे, धमेजा जी ने तो बहुत कुछ लिखा है। मैं तो एक बात कहता हूं, मैं इस बहस में भी नहीं जाता कि उस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ठीक किया, गलत किया, किसने क्या कहा। उस समय के नेताओं को ईमानदारी से जो ठीक लगा वो उन्होंने कर दिया। हम नतमस्तक हैं उनके सामने, आलोचना की जा सकती है, लेकिन जो उनको ठीक लगा उन्होंने कर दिया। अब आधी सदी हो गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अनुसार देश का शासन चलाते हुए, आधी सदी के बाद इस शासन पद्धति का लोकतंत्र कैसा है, देश कैसा है, भारत कैसा है, क्या वही चलाना चाहते हैं? अगर वही नहीं चलाना चाहते तो रुकना होगा, सोचना होगा कुछ बदल जरूरी है कि नहीं है। एक बात बहुत पीड़ा देती है, अब तो शायद मैं चुनाव न लड़ूं, लेकिन चुनाव लड़ते हुए बहुत पीड़ा होती थी। आज इस शासन पद्धति के बाद 50 साल के बाद हो क्या गया, चुनाव होता है और चुनाव में सभी पार्टियां काले धन को खर्च करती हैं। कितना धन खर्च होता है आपको अंदाजा नहीं, शशि थरूर जी को मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। काला धन खर्च करके लोग जीतते हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या है कि चुनाव आयोग के पास जाकर के झूठ बोलते हैं। जो लोकतंत्र काले धन से शुरू होता है, झूठ से शुरू होता है, वो लोकतंत्र सफेद हरगिज़ हरगिज़ नहीं हो सकता। चारित्रिक दृष्टि से भारत का हाल क्या है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हर वर्ष की रिपोर्ट कहती है दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में भारत है, ये चारित्रिक दृष्टि से। आर्थिक मोर्चे पर हमारी हालत क्या है, एक तरफ तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था भारत की, विश्व के करोड़पतियों में भारत के करोड़पतियों की संख्या भी बढ़ रही है, और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट कहती है दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे लोग भारत में रहते हैं, हंगर इंडेक्स में भारत सबसे नीचे है, कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। ये कैसा विकास है, आर्थिक वृद्धि शोर मचता है, हम स्वाभिमान का अनुभव करते हैं। मैंने अपनी पार्टी में कई बार कहा है आर्थिक वृद्धि ही देश की खुशहाली की कसौटी नहीं है। सामाजिक न्याय हुआ कि नहीं हुआ,
आर्थिक वृद्धि हो रही है, गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में रहने वाले लोग भारत के किसी गांव की झोंपड़ी में तरसती हुई गरीबी भूखमरी की आहों को नहीं सुनते। आज आर्थिक स्थिति इस देश की हालत हो गई, और फिर ये जो सारी परिस्थिति इस शासन पद्धति की आदि सदी के द्वारा आज हुई है। कृषि प्रधान देश में अन्नदाता किसान रोज खुदकशी कर रहा है, 3 लाख किसान खुदकशी कर चुके हैं। मेरा ये कहना है, ये जो स्थिति बन चुकी है आज, इस शासन पद्धति को चलाए रखने के बाद जहां भारत पहुंचा है आज, क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं हमारे सामने? फिर कुछ और बातें मुझे कहनी है। कभी रजवाड़ा शाही देश में थी, सरदार पटेल ने उसको खत्म करके एक देश में एक शासन लोकतंत्र स्थापित किया। आज क्या हो गया? आज रजवाड़ा की शाही की जगह गुट शाही, परिवार शाही। कुछ प्रदेशों में 2 परिवारों का शासन चलता है, कभी एक परिवार, कभी दूसरा परिवार। लोकतंत्र परिवार तंत्र बनता चला जा रहा है, लोकतंत्र गुट तंत्र बनता हुआ चला जा रहा है। यह परिस्थिति भी हमारे सामने आई है। और फिर एक और नई परिस्थिति के हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, लोकतंत्र चुनाव तंत्र बन गया। एक प्रदेश का चुनाव होता है तो पूरे देश की राजनीति वहीं पर सिकुड़ कर चली जाती है। बिहार का चुनाव नहीं था, पूरे देश का चुनाव था। कितना खर्च होता है, क्या कुछ होता है। अभी भी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आया, उस सर्वे के कुछ तथ्य दिल दहला देने वाले। उस सर्वे में एक बात कही है कि 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 1,000 रुपये महीने पर गुजारा करते हैं। क्या ही अच्छा होता सर्वे रिपोर्ट पर पार्लियामेंट विचार करती। पार्लियामेंट को समय नहीं है इन सवालों पर विचार करने के। 125 करोड़ में से 60 करोड़ लोग 1,000 रुपये महीने पर गुजारा करते हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। और उस देश में हम हर साल किसी न किसी प्रदेश में चुनाव करते हैं। क्या 5 साल में चुनाव एक बार नहीं हो सकते? इस पद्धति में निर्णय करने की हिम्मत राजनीति में खत्म हो जाती है। इस पद्धति में देश के बारे में सोचने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है। सबसे बड़ा दोष इसमें जो पैदा होता है, वोट बैंक राजनीति। दिल्ली गैस चैंबर बन गया, प्रतिदिन 1400 नई गाड़ियां सड़क पर आ रही हैं। गैस चैंबर बन गया, और एक इलाका जहां सबसे ज्यादा प्रदूषण है, वहां के लोगों के 80% फेफड़े खराब हो गए, और सरकार विचार कर रही है इसके लिए क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। आग लग गई है, कुआं खोदने की योजना बन रही। निर्णय करने की इस पद्धति में, निर्णय करने की प्रक्रिया इतनी देर से होती है। और जो भी, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे देश में बढ़ती हुई प्रदूषण है, कुछ भी समस्या है, समस्याओं की समस्या है जनसंख्या वृद्धि, कोई पार्टी बोलती तक नहीं। व्यक्तिगत रूप से बात करो तो सब मानते हैं, हर साल अगर 1.5-2 करोड़ लोग आ जाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो जंगल कटेंगे, मकान बनाने पड़ेंगे, गाड़ी आएंगी, प्रदूषण होगा, भीड़ 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 सब जगह भीड़ होगी। क्यों बोलने को तैयार नहीं? बोलेंगे तो वोट खराब हो जाएंगे। आज राजनीति वोट के लिए जी रही है, देश के लिए नहीं जी रही। ऐसी जगह पहुंच रहे, मैं भुक्त भोगी हूं। हिमाचल का मुख्यमंत्री था, एक निर्णय किया कि पन बिजली में प्राइवेट सेक्टर को लाना है। हिमाचल पहला प्रदेश था जिसकी कैबिनेट ने निर्णय किया, और मुझे याद है मैं मनमोहन सिंह जी के पास आया, बहुत खुश हुए, कह लेकिन इसीलिए तो कहा। मैंने कहा तो है, लेकिन मैं किसी प्राइवेट को कोई प्रोजेक्ट दे नहीं सकता, क्योंकि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रावधान नहीं है।
मुझे कहा जरा अटल जी अडवाणी जी से बात कर लो, मैं अमेंडमेंट लाता हूँ। अमेंडमेंट आई, सब कुछ हो गया और भारत के इतिहास में हाइडल का पहला प्राइवेट प्रोजेक्ट मैंने बासपा हिमाचल में दिया और कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। मैंने कहा किस लिए? पैसा चाहिए? नहीं नहीं, प्राइवेट सेक्टर को क्यों ला रहे आप? मैं कहा तो निर्णय सरकार को करना है। 29 दिन तक हड़ताल चली और उसके बाद और भी बहुत कुछ होने लगा। मैंने कहा ठीक है, आपको स्ट्राइक करने का अधिकार है तो स्ट्राइक का वेतन आपको नहीं दूंगा। नो वर्क नो पे मैंने लागू किया हिमाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन मेरे खिलाफ मेरी पार्टी नाराज हुई और मुझे याद है मुझे कहा गया देखो भाई जो तुम कर रहे हो गुड गवर्नेंस तो है बट बैड पॉलिटिक्स, वी वांट गुड पॉलिटिक्स नॉट गुड गवर्नेंस। मैंने कहा कुछ भी हो मैंने कर दिया मैं करूंगा, मैं वेतन नहीं दूंगा, नहीं दिया। हम एक चुनाव हार गए और मेरी पार्टी में मेरी सीआर खराब हो गई। मैं ये कह रहा हूं कि हम पहुंचे कहां है इस शासन पद्धति के द्वारा, ये स्थिति पैदा हो गई है, देश की यह हालत पैदा हो गई है। इसलिए मेरा एक निवेदन है वर्तमान पद्धति को बदलना चाहिए, कोई चारा नहीं। जो जहां आज हम पहुंचे हैं इसी ढंग से देश आगे बढ़ता चला जाएगा तो देश का क्या होगा? डर लगता है कई बार। इसलिए मेरा ये कहना है कि इस वर्तमान पद्धति में बदल परिवर्तन बहुत अवश्य जल्दी से जल्दी होना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं अध्यक्षीय प्रणाली के हक में हूं। मैं 77 में मुख्यमंत्री रहा, 90 में रहा और उसके बाद मेरी राय बनी कि ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भारत को बिल्कुल सूट नहीं करता। इसमें इनहेरेंट है करप्शन, अस्थिरता, निर्णय न लेने की बात। मुझे याद है उन दिनों जब जनता पार्टी की सरकार थी तो प्रकाश सिंह बादल जी ने एक बार कहा था काम कब करें, दो तो हाथ दिए भगवान ने, एक हाथ से कुर्सी संभालते हैं दूसरे हाथ से पगड़ी संभालते हैं। मेरा यह निवेदन है, हाँ द्विवेदी जी ने एक विकल्प रखा है, वो एक विकल्प है, लेकिन मैं ये समझता हूं अब समय आ गया है एक राष्ट्रीय सहमति बनाई जाए, नेशनल आयोग, नेशनल कमीशन हो जो इस पद्धति में बदल क्या क्या होना चाहिए उस पर विचार करे। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अटल जी के समय बना था, बाद में उसका क्या हुआ एक बात अलग है। तो इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बने और मैं व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षीय प्रणाली के हक में हूं। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली एग्जैक्टली अमेरिकन हो यह जरूरी नहीं है, अपने देश की परिस्थितियों के मुताबिक उस प्रणाली में कहां क्या बदल करना है कि आयोग विचार करे, हम निर्णय करें। लेकिन एक बात है, मुख्य प्रशासक को चाहे प्रदेश का हो चाहे देश का हो वो सीधा जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है, गांव के व्यक्ति को नहीं लगता मेरा प्रधानमंत्री है मेरा मुख्यमंत्री, वो चुनता ही नहीं है। और कैसे चुने जाते हैं, प्रदेशों में क्या क्या होता है, जितना ना कहा जाए वही अच्छा है। तो डायरेक्टली मुख्य प्रशासक को चुनने में हर मतदाता का हाथ हो और 5 साल के लिए स्थिरता की बात हो, वो कुछ कर सके, वो कुछ काम कर सके, वोट के लिए न जिए देश के लिए जिए। कठिन कठोर निर्णय करने की परिस्थिति पैदा हो, देश के हित में कठिन कठोर निर्णय करने पड़ेंगे, नहीं तो आज जहां हम पहुंचे हैं इससे आगे और स्थिति निरंतर खराब होती जाएगी। तो मैं बधाई देता हूं धमेजा जी को और मैं ये कहना चाहूंगा आदरणीय कुलदीप नैयर जी बैठे हैं कि देश में एक जनमत बनाया जाए, एक सहमति बनाई जाए, भाई विचार करें। उन लोगों ने जो सोचा कर दिया, 50 साल हमने इस पद्धति को बनाया, 50 साल की पद्धति के बाद देश का क्या हो गया, अच्छा नहीं है, उसमें बदल परिवर्तन क्या करना चाहिए। कमीशन बैठे विचार करे, परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में परिवर्तन होना चाहिए। मैं अध्यक्षीय प्रणाली के हक में, लेकिन
क्या होना चाहिए इसके बारे में विद्वान विचार करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद करता हूं। एक समय था जब इस पर चर्चा हो रही थी, अब चर्चा बंद हो गई। आदरणीय नेहर जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा इस विषय पर सोचना तो शुरू हो, क्योंकि जहां हम पहुंचे हैं इससे आगे तो बड़ी गहरी खाई है, बड़ी गहरी खाई। ये नक्सलवाद, ये माओवाद, ये रोज बढ़ता अपराध। दिल्ली में सुबह अखबार पढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। मेरी धर्मपत्नी कहती है नाश्ता करने से पहले अखबार मत पढ़ना। सच क्या है? दिल्ली अपराध की नगरी बन गई। इसके पीछे शासन पद्धति नहीं तो और क्या है? और अंत में एक और बात कहूंगा, आज शासन पद्धति बहुत जरूरी हो गई, आज से 100 साल पहले ही जरूरी नहीं थी। कारण राजनीति जिंदगी का हिस्सा थी, अब जिंदगी राजनीति का हिस्सा बन गई। समग्र जीवन पर राजनीति ने प्रभाव कर दिया। और कई बार मैं कठोर शब्द कहता हूं, जीवन का राजनीतिकरण हो गया और राजनीति का भ्रष्टीकरण हो गया। आज की सबसे बड़ी त्रासदी है, जीवन का तो राजनीतिकरण हो गया और राजनीति का भ्रष्टीकरण हो गया। इसलिए शासन पद्धति बहुत जरूरी है। शासन पद्धति अच्छी नहीं होगी तो वही होगा जो आज हमारा हाल है। मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं उनको और मंच पर बैठे मित्रों को कहूंगा, ये बहस, ये डिबेट राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो, इसका हम प्रयत्न करें। परिणाम क्या हो ये बात अलग है, हमारी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अलग अलग राय में से एक राय बने ये मैं चाहता हूं। मैं तो बहुत पहले से इस बात के हक में था, मैंने बहुत पहले कहा था, 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद ही ये शासन पद्धति काम नहीं करेगी देश के अंदर। तो आज एक नई बहस शुरू की है मेजा जी ने, उनको बधाई, उनके प्रशासक को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।